नमस्कार, सटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनएच की बदहाली पर हुई राजनीति शुरू, कांग्रेस ने किया नामकरण तो जिला प्रशासन ने किया विरोध। स्वर्णरेखा नदी से मिला ज्ञात शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। अंगदान के प्रति लोगों को किया गया जागरूक, छात्रों ने ली जानकारी। और सरायकेला के राजनगर थाना अंतर्गत घटी सड़क दुर्घटना, एक की मौत, दो घायल। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनोखा प्रदर्शन करते हुए NS-33 का नामकरण भारतीय जनता पार्टी हड्डी तोड़ हाईवे रखकर मिशन 2019 में केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। पार्टी चौक के समीप पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर NH-33 की बदहाली को उजागर करने के उद्देश्य से रांची से लेकर बहरागुड़ा के बीच 6 जगह नामकरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल थे। जहां पार्टी चौक पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार के द्वारा नामकरण बोर्ड का अनावरण किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विजय खां सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ केंद्र सरकार की विफलताओं का विरोध करते नजर आ रहे थे। जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार ने कहा कि NH-33 जो बंगाल, ओडिशा सहित अन्य राज्यों को जोड़ती है, आज उसकी दुर्दशा के कारण व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। दूसरे राज्य से आने वाले वाहन चालक सड़क की बदहाली के कारण अब NH-33 का रुख नहीं कर रहे हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को दर्शा रहा है। इसमें सफर करने वाले लोग स्वयं को ढगा महसूस कर रहे हैं, जिस कारण उन लोगों के द्वारा NH-33 का नामकरण भाजपा हड्डी तोड़ हाईवे रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड की जनता को जागरूक कर झूठे वादे वाली सरकार का असली चेहरा लाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जल्दी अच्छे दिन, काला धन, विकास जैसे मुद्दों की तलाश करेगी। ये सभी मुद्दे वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में रखा था। 5 साल बीत जाने के बाद भी ना तो काला धन आया, ना ही अच्छे दिन, जिसकी तलाश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाएगी। पूर्व निर्धारित समय के आधार पर हम लोग ने नामकुम, बुंडू, चौका, पार्टी चौक, घाटशिला, बैरागोड़ा में जो है भाजपा सरकार हड्डी तोड़ हाईवे का जो है नामकरण किया है। जमशेदपुर और रांची के बीच में जो हाईवे है, उस पुल का स्थिति आप देख लीजिए। वो पुल कब टूट जाएगा, कब जो है 100 कम से कम 100 के उससे ऊपर संख्या में लोग की जो मौत होने की संभावना है, उस पर जो है मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है। आखिरी में एक ही चीज हम कहेंगे, महामहिम जी मैडम आ रही थी, द्रौपदी मुर्मू जी आ रही थी हेलीकॉप्टर से, मौसम खराब हुआ, रोड से आने वाली थी एक कार्यक्रम के लिए। DC और यहाँ के SP साहब ने सरकार को लिखा कि जो है महामहिम रोड से नहीं आएंगी, क्योंकि रोड की स्थिति खराब है। तो गवर्नर अपने प्रदेश में रोड के माध्यम से कहीं जा नहीं पा रही है, तो इससे खराब झारखंड की क्या स्थिति हो सकती है। और वहीं टाटा रांची NS-33 की बदहाली को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रविवार को अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी ने NS-33 की बदहाली को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस सड़क का नामकरण कर भाजपा हड्डी तोड़ सड़क कर दिया है और इसी का नामकरण करने के लिए NH-33 पर जगह जगह प्रदर्शन किया गया। सरायकेला खरसावा जिले के चौका में NH-33 के नामकरण के दौरान कांग्रेसियों के साथ पुलिस की नोक झोंक हुई। सरायकेला प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को रोकने को लेकर व्यापक पैमाने पर फोर्स की तैनाती की गई थी। सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन के रवैये पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार ने राज्य में मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि जब जब कांग्रेस सड़क पर उतरी है, राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन का सहारा लिया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आज जिस तरह से सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, उसके बाद एक बार पुनः कांग्रेस द्वारा सड़क पर बोर्ड लगाया जाएगा और विरोध जताया जाएगा। इन्होंने कहा कि जिस तरह सड़कों पर पुलिस बल तैनात थे, अगर सरकार मजदूरों को सड़क पर उतारती तो शायद आज ही सड़क बन जाता। कुछ दिन पहले एक आप ही के साथी ने भगवत दास जी से पूछा था कि गंदगी बहुत बढ़ रही है बागबेरा,
तो उन्होंने कहा सोच बदलो। तो प्रशासन के यही है कि सोच बदल दो कि रोटी है, सोच बदल दो कि नौकरी है, सोच बदल दो कि मालिकाना है, सोच बदल दो कि जो है काला धन वापस आ गया, सोच बदल दो कि जो विधि व्यवस्था ठीक है, सोच बदल दो कि हॉस्पिटल में इलाज हो गया। अब यही चक्कर है, हम बोर्ड लगाते हैं, रोड तो बनाएंगे नहीं, बोर्ड हटाएंगे, लेकिन हम फिर से लगाएंगे और लगातार लगाते रहेंगे जितने भी जो है दिन इनको जो है। आप देख लीजिए ना कि जितने संख्या में पुलिस बल को तैनात किया है उसी संख्या में अगर मजदूर को तैनात कर देते तो रोड बन जाता ना यार। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर सोनारी थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी में एक अज्ञात शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जी हाँ, इधर एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला और शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने चलाकर मौत की नींद उसे सुला दिया है। उसके बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को नदी में फेंक दिया गया। हालांकि मृतक के हाथ पर महादेव लिखा है और गले में माँ काली का ताबीज है। शव की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर किसका शव है, किसी ने गुमशुदगी का एफआईआर तो नहीं दर्ज कराया है। का कोई ट्रेस नहीं मिला है, अज्ञात है और बाकी इसको जांच पड़ताल का विषय है। एनडीआरएफ जो होता है ना, यही एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, वहीं से सूचना मिली मांगो थाना को, कल हम लोग आए हैं पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजने की तैयारी चल रही है। अज्ञात है बॉडी अभी तक, तो अज्ञात है ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी लगभग 5-7 रोज का तो है, लेकिन लाश को देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि थोड़ा 5-7 रोज तो हुआ ही है। और इधर सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के राजनगर चायबासा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक ट्रक और पिकअप वैन में सीधी टक्कर हो गई। पिकअप वैन के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सड़क दुर्घटना के बाद चालक गाड़ी में ही फंसा रह गया। किसी तरह से स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों घायलों को एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही राजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि जोरदार बारिश के कारण समय से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। और तलब है कि इस सड़क पर यह पहली घटना नहीं है, हर तीसरे या चौथे दिन इस सड़क पर किसी न किसी प्रकार के हादसे होते रहते हैं। हेड इंजरी तो नहीं है, लेकिन थाई का फ्रैक्चर लग रहा है और मुंह से भी खून बह रहा है, अनकॉन्शियस है, कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है। और दूसरा पेशेंट है करुणाकर साहू, उसका दोनों पैर का फ्रैक्चर है और हेड इंजरी भी है, इरिटेबल है, उसका भी कंडीशन सीरियस, इसलिए यहाँ इनिशियल ट्रीटमेंट करके एमजीएम रेफर कर दिया गया। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन कर दिव्यांग लोगों के दर्द को छात्रों के बीच में रखने का प्रयास किया गया। वैसे इस कार्यक्रम के जरिए उपस्थित छात्रों को अंगदान के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में कोलकाता के डॉक्टर उत्तल विश्वास उपस्थित हुए, जहां डॉक्टर उत्तल विश्वास ने उपस्थित लोगों को अंगदान के बारे में जानकारी दी। हालांकि डॉक्टर विश्वास का कहना है कि भारत में 5 लाख लोगों की अंगों के असमय क्षतिग्रस्त होने से मौत हो जाती है, सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में अंग क्षतिग्रस्त होता है। उन्होंने लोगों से अपील की अगर उनका अंग किसी के जीवन में काम आ जाए तो वह दान सबसे बड़ा दान होगा। साथ ही लोग अंगदान कैसे करें इसकी जानकारी भी दी। देह दान, अंग दान, बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन संयुक्त अभियान का एक कार्यक्रम है, जिसमें आम लोगों को ये बताना है या उनको जागरूक करना है कि ये देह दान अंग दान की प्रक्रिया है क्या, बॉडी डोनेशन ऑर्गन डोनेशन क्या है, क्यों हमको करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है, किनको ज़रूरत है और किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ये देह दान अंग दान संयुक्त अभियान का कार्यक्रम है। इसमें खास तौर से विशेषज्ञ के रूप में कोलकाता से एक डॉक्टर कुंतल विश्वास आए हुए हैं विशेषज्ञ के रूप में। और यहाँ आपको बताते चलें कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। वैसे इस कार्यशाला में राज्य के सभी बैंकों के यूनियन के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों को निजी कंपनी को दिए जाने के मामले पर भी सेमिनार में रणनीति बनाई गई। बता दें, केंद्र सरकार सरकारी बैंकों को निजी कंपनियों के हाथ में देना चाहती है।
इससे कर्मचारियों को क्या नुकसान होगा, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। हालांकि इस सेमिनार में उपस्थित ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने साफ कर दिया है कि बैंक को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। अगर सरकार निजी हाथों में बैंक को देती है तो यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा, जिसे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। ये केनरा बैंक एम्प्लॉयज यूनियन झारखंड स्टेट कमेटी का त्रैवार्षिक अधिवेशन है, स्टेट का अधिवेशन है, जिसमें नए सचिव का भी निर्वाचन होता है। लेकिन उससे पहले काफ़ी हम लोगों के बीच में डिस्कशन होती है। पूरे झारखंड से हमारे प्रतिनिधित्व आया है, पूरे भारतवर्ष से हमारे शीर्ष नेता लोग आए हैं, जनरल सेक्रेटरी आए हैं, अजय मंजरेकर आए हैं। और अभी जो देश का समस्या, आर्थिक समस्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या चल रहा है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। थर्टी स्माइल स्टेशन लेजर डेंटल क्लिनिक, दांतों की समस्या से मिलेगी मुक्ति विदाउट टेंशन, क्योंकि आपके शहर में अब है 32 स्माइल स्टेशन। दांतों की सफाई हो या फिर दांतों को हो चमकाना या बिना दर्द के दांतों को हो निकलवाना, केवल 32 स्माइल स्टेशन ही जाना। 32 स्माइल स्टेशन, अ मल्टी स्पेशलिटी लेजर डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ सिटी एट भालूभासा ब्रिज जमशेदपुर, जहां दांतों की किसी भी समस्या का है समाधान, 32 स्माइल स्टेशन है उसका नाम। 32 स्माइल स्टेशन, जहां फिक्स दांत लगाना, दांतों में चांदी भरना, सड़े हुए दांतों का जड़ तक इलाज यानी RCT अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है। ओरल कैंसर की जांच के साथ ही टूटे जबड़े एवं ट्यूमर की सर्जरी भी आधुनिक तकनीक से की जाती है। दांतों की सड़न, मुंह से आती बदबू से मिलेगा छुटकारा। डेंटल इम्प्लांट करना हो या दांतों को क्लिप लगाकर ठीक करना, क्लिप विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा प्रतिदिन उपलब्ध हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों से ना हो परेशान, 32 स्माइल स्टेशन देता है स्वस्थ सुंदर मुस्कान। दांतों की किसी भी समस्या के लिए आज ही मिले डॉक्टर VK सिंहदेव और डॉक्टर पूर्णिमा से। कदमा में है हमारी ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, KL Tower, ऑपोजिट टू ऑटो स्टैंड, मेन रोड कदमा। आर मेन ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, जमुटार, भालूभासा, जमशेदपुर। अब पावर का सुपर पावर ऑफर दैनिक भास्कर के साथ। दैनिक भास्कर अखबार में छपे फॉर्मेट में चिपकाएं 1 किलो के 3 पावर के खाली पैक और जीते इनाम। तो अब कपड़ों की सफाई भी और इनामों की बौछारें भी, तो न छूटने दे मौका। आज की 3 खाली पैक दैनिक भास्कर में छपे फॉर्मेट में चिपकाकर घाटशिला या जमशेदपुर के कार्यालय में जमा करें और पाएं ढेर सारे इनाम। तो करते रहें सुपर पावर से कपड़ों की सफाई, पढ़ते रहें दैनिक भास्कर और जीतते रहें ढेरों इनाम। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8271033770। आप दैनिक भास्कर के फॉर्मेट में छपे स्टोर्स के पते पर भी अपना फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ जमा करें, दैनिक भास्कर कार्यालय, कॉमर्स प्लाजा, 3rd तल्ला, मेन रोड, घाटशिला, जमशेदपुर। दैनिक भास्कर कार्यालय, 4th तल्ला, 7SP शॉप एरिया, क्यू रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें सुमन कुमार सिंह 9934640673 8340605519। ऑफर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मान्य रहेगा। DEPL क्रिएटिंग लाइफ स्टाइल, कई बीघा जमीन, कई प्रोजेक्ट्स। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला शहर के कासिदा में बिल्डर दत्ता रेसिडेंसी लेकर आए हैं आपके सपनों का घर किफायती दरों पर, साथ ही 10 दिनों के विशेष ऑफर के साथ।
जी हाँ, 15 लाख वाले 1 BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 8 लाख रुपए में, 22 लाख वाले 2 BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 12 लाख रुपए में, और 3 BHK फ्लैट 35 लाख वाले जिसे आप पा सकते हैं मात्र 20 लाख रुपए में। साथ में स्विमिंग पूल, मंदिर, पार्क, शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी हॉल, किड्स प्ले एरिया, रेस्टोरेंट, फिटनेस सेंटर, मैरिज हॉल, बॉय गर्ल्स क्लब, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी विथ CCTV आदि सुविधाओं सहित दत्ता रेसिडेंसी घाटशिला। अपनी जमीन अपना घर। बुकिंग कीजिए अपना खुद का घर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7004819880933446310 6। साइट एड्रेस इनिस 33 कासिदा नियर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, POPS घाटशिला, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम झारखंड 832303। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनिश्चित सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा है के तहत जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां घरेलू महिला बाजार एवं रोड की सफाई कर अभियान की सफलता को दर्शा रही थी। देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा साक्षी शहीद चौक के समीप जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार एवं स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार कई स्कूली बच्चों के साथ दुकानदारों को जागरूक करते नजर आ रहे थे, जहां घरेलू महिलाओं का उत्साह देखते बन रहा था। महिलाएं सड़क एवं बाजार की सफाई कर अभियान की सफलता को दर्शा रही थी। इस संबंध में कृष्णा कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न स्कूलों एवं सामाजिक संगठन के लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां वे नुक्कड़ नाटक एवं जागरूकता अभियान के माध्यम से दुकानदारों एवं शहर के लोगों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं एवं गंदगी से होने वाली बीमारियों के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। लोग जिस तरह अपने घर एवं कपड़ों को साफ रखते हैं, ठीक उसी तरह अपने अगल बगल की गंदगी को भी साफ करें, तभी अभियान सफल होगा। महात्मा गांधी का एक सपना था, लोगों ने ये भी नहीं समझा कि नोट पर महात्मा गांधी की फोटो क्यों है। वो इसलिए फोटो है नोट पर भी कि लोग सोचे, महसूस करें कि नोट को पकड़ने के वक्त उनको याद रहे कि महात्मा गांधी का एक सपना और भी था, और वो सपना ये था कि स्वच्छता। खाली नोट पॉकेट में रखते हैं लोग, मगर ये नहीं सोचते हैं कि स्वच्छता को ऊपर हमें ध्यान देना है। ये भी तो बापू का एक सपना था महात्मा गांधी का कि स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना है। आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज उन्होंने सपने को जगाने के लिए फिर से हम लोगों को जगाया है कि तुम लोग तो नोट रख के महात्मा गांधी का सोए हुए हो, बापू का तो भी एक नोट में सपना था
और इसलिए नोट पर मैं सोचता हूँ कि महात्मा गांधी की फोटो इसलिए है कि नोट जब पॉकेट में तुम रखते हो, अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए नोट पॉकेट में रखते हो तो घर को स्वच्छ और साफ रखो। भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री के जो स्वच्छता मिशन है उसके तहत 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पूरे भारतवर्ष में चला है। इसी क्रम में हम लोग जमशेदपुर में कल हम लोग बर्मा माइन से स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ किए हैं और उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे साक्षी का जो बसंत चौक सिनेमा टॉकी चौक है उसमें हम लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने जो जमशेदपुर वासी हैं वो जमशेदपुर को कैसे साफ रखें। हम अपील यही करना चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपने घर को, जिस तरह से अपने बेड को, जिस तरह से अपने शरीर को, कपड़े को साफ रखते हैं, उसी तरह से हम अपने गली मोहल्ले और आसपास के जो बाजार है वहाँ भी हम लोग साफ रखें। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल स्थित कौशल विकास केंद्र में स्वच्छता ही सेवा पर निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चे समेत नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए जूनियर लेवल और कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए सीनियर लेवल में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बता दें पूरे देश में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा के अभियान की शुरुआत हुई है जिसमें स्वयं देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लिए छात्रों में एक गजब सी उत्साह देखी गई। सभी ने एक से बढ़कर एक कला को चित्रांकन प्रतियोगिता के जरिए उपस्थित कर्मचारियों के समक्ष रखा। और इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर में कृष्ण कन्हैया रामायण मंडली द्वारा दिवंगत उद्यमी और समाज सेवी विक्टर सिंह के स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार शामिल हुए। आदित्यपुर मांझी टोला स्थित औषोध्यान केंद्र में आयोजित रक्तदान शिविर सह श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर अजय कुमार के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कृष्ण कन्हैया रामायण मंडली के सदस्य भी मौजूद थे। मौके पर डॉक्टर अजय कुमार समेत अन्य लोगों ने दिवंगत उद्यमी और समाज सेवी विक्टर सिंह के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में डॉक्टर अजय कुमार ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर केंद्र और राज्य सरकार सरकारी पैसों की लूट कर रही है। डॉक्टर अजय कुमार ने सरकार को बैनर और पोस्टर वाली सरकार करार देते हुए सत्ता लोभी करार दिया। 800 करोड़ जो है रघुवर दास जी ने खर्च किए और मोदी जी ने जो है 1670 या ऐसा कुछ है खर्चा किए अपने विज्ञापन के ऊपर। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े तो लगातार मैं और बाकी विज्ञापन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी टीवी और न्यूज में जो चला रहे तो यही स्थिति है। पूरा सरकारी खर्चे पर ही अपना प्रचार चला रहे हैं। ये ग्राम विकास समिति क्या होता है, वो सरकारी खर्चे पर जो अपना जो है भाजपा का टीम बना रहा है, मुखिया का जो हक छीन करके, पार्षद का हक छीन करके, तो बीजेपी के लिए इन्हों सत्ता में आने के लिए इतने भूखे हो गए सिर्फ जो है माल कमाने के लिए। और इधर पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित कर देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में विधानसभा स्तरीय काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित कर अटल जी के काव्य रचनाओं को कविता पाठ के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने पढ़ा और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव के अलावा आदित्यपुर नगर निगम के मेयर और भाजपा कुल्हान के सह संयोजक विनोद श्रीवास्तव, डिप्टी मेयर अमित सिंह, पूर्व विधायक अनंत राम टुड्डू के अलावा बड़ी संख्या में वरीय भाजपाई और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अटल जी हम लोग से आज एक महीना पहले हम लोग से पिछड़ गए थे, उन्हीं के याद में आज विधानसभा स्तर पर काव्यांजलि कार्यक्रम करना है। उसी निमित्त आज हम लोग सरायकेला विधानसभा में आज स्कूल के यहाँ पर हम लोग काव्यांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम लोग सब कविता के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उस महामानव को कविता से बड़ा श्रद्धांजलि कुछ और नहीं हो सकता है, इसलिए काव्यांजलि के माध्यम से कार्यकर्ता के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और यहाँ आपको बता दें कि सिटी डीएसपी ने मुहर्रम पर मातम जुलूस के मद्देनजर साक्षी मोहिनी रोड, बेला रोड और मोमजन लाइन का जायजा लिया।
रविवार को सिटी डीएसपी अनुदीप सिंह ने मुहर्रम पर मातम जुलूस के मद्देनजर साक्षी मोहिनी रोड, बेला रोड और मोमडन लाइन का जायजा लिया। एसपी साहब आए थे और उनके साथ थाना प्रभारी भी थे, साक्षी थाना के प्रभारी भी थे और जहां पर हम लोग मुहर्रम की मजलिस करते हैं उसका मुआयना किया और बताया उनको हम लोग कि यहां से होके हम लोग साक्षी पोस्ट ऑफिस गोल चक्कर तक जाएंगे। सब उन्होंने देखा और कहा कि नहीं, आप लोग का इंतज़ाम अच्छा है, ये कह के शांतिपूर्वक आप लोग निकाले। और कुछ बातचीत हुआ? और कहा कि शांतिपूर्वक निकालिए, कोई किस्म की बात पैदा ना हो, आप लोगों सबको सहयोग करना है और आप लोग बराबर सहयोग किए हैं। और वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई ईदगाह मैदान स्थित नसीम मैरिज हॉल में मुहर्रम को लेकर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के बैनर तले सभी अखाड़ा कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य एकजुट हुए और आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम का जुलूस निकालने की ठानी। जुगसलाई क्षेत्र से 14 मुहर्रम अखाड़ा कमेटी के द्वारा जुलूस निकाला जाता है जिसमें 12 लाइसेंसी हैं और 2 गैर लाइसेंसी। इधर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के बैनर तले सभी अखाड़ा कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों का जुटान हुआ जहां सभी ने एक स्वर में शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की ठानी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी तरह का कोई खतरनाक करतब मुहर्रम जुलूस में नहीं दिखाया जाएगा। सभी ने नशा का विरोध करते हुए कहा कि नशा किए हुए व्यक्ति व संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अब्बास अंसारी ने कहा कि सभी ने लिए गए निर्णय पर अपनी हामी भरी है और शांतिपूर्वक मुहर्रम का जुलूस निकालने की ठानी है। टीम की ओर से तमाम अखाड़ा के खलीफा और सदर सेक्रेटरी के साथ एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जो पिछले साल हम लोग हर साल शांतिपूर्वक और सद्भावना तरीके से जो जुलूस निकालते हैं उसी को सद्भावना तरीके से निकालने के लिए हम तमाम अखाड़ा वालों को दिशा निर्देश दे रहे थे। खबरों में वक्त है और एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। अभी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम है तैयार किसी भी वक्त हर हाल, जिनकी सेवा भावना में छुपी है मरीजों की भरपूर सुरक्षा और समुचित देखभाल, जहां की अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली है और उसे कहीं बेहतर, सभी प्रकार के स्त्री रोगों, बांझपन एवं मातृत्व संबंधी समस्याओं का सर्वोत्तम इलाज, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति IVF सेंटर। अल्ट्रा मॉडर्न डायग्नोसिस सिस्टम विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द बेस्ट IVF सेंटर इन कुल्हान, फुली इक्विप्ड विद पेडियाट्रिक नर्सरी एंड PICU, वेल फैसिलिटेटेड OT विद एक्सपीरियंस्ड नर्सेस, बेड साइड एक्सरे, 2D इको एंड अल्ट्रासाउंड, ENT सर्जिकल डिपार्टमेंट और जमशेदपुर का पहला निजी न्यूनेटल सर्जिकल डिपार्टमेंट। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी, क्विक डिसीजन, फास्ट एक्शन एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट, सर्विसेज फॉर द थैलेसीमिया पेशेंट्स, वेल फैसिलिटेटेड एंड हाइजीनिक लेबर रूम्स, OPD एंड जनरल वार्ड्स, नर्सरी एंड वेंटिलेटर्स।
गर्भस्थ शिशु का नियमित चेकअप हो या बंध्याकरण, बच्चों के लिए आपातकालीन सेवाएं हो या फिर टीकाकरण, एंश्योर्स द बेस्ट हेल्थ केयर फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमन एंड चाइल्ड। राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस फैसिलिटी और सभी प्रकार की इमरजेंसी सुविधाएं विद एक्सट्रीम लव एंड केयर। डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति IVF सेंटर, चंद्रा सेंटर नियर होटल सागर, कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657-2234-001, 2234-040, 8651-004-000। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657-2438-616, 9835551212, 9431113166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सोल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें अनेक ज्योतिषी का गेलाम, किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोई साफल्य पाई। जब थे महादेव बाबू का गेसि तब थे अनेक साफल्य लाभ इस मे बे सर चाकरी सब कुछ तो अनेक ठीक ठाक उन्नी जे भाव प्रेसक्राइब कर मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874826800, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में पहली बार आई हॉस्पिटल में नेत्र प्रत्यारोपण किया गया। जी हां, जहां 63 वर्षीय वृद्ध महिला को नेत्र व्याधि से मुक्ति मिली, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। झारखंड सरकार द्वारा होटा एक्ट के तहत ASG आई हॉस्पिटल को नेत्र प्रत्यारोपण के लिए मान्यता मिली है। नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधा शहर में होने से अब मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चिकित्सिका रानी सिंह ने 63 वर्षीय शकुंतला देवी को नेत्र व्याधि से मुक्ति दिलाई, जिनके नेत्रों का प्रत्यारोपण कर उन्हें आज एक नई जिंदगी प्रदान की गई है। ASG आई हॉस्पिटल के चिकित्सक नितेश सिंह ने इसे एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उनके अनुसार नेत्र प्रत्यारोपण के लिए लोगों को शहर से बाहर जाना पड़ता था और काफी खर्च का वहन करना पड़ता था, ऐसे में अब स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी।
देखिए, ये काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है क्योंकि आज तक झारखंड में, जमशेदपुर से अलावा भी पूरे झारखंड में पहली बार ये ट्रांसप्लांट हुआ है, जिस चिकित्सा के लिए लोगों को यहाँ से शंकर नेत्रालय, एम्स और कई दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में जाना पड़ता था। जाने आने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा और उसके बाद सर्जरीज के बाद कई बार फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, 7-8 विजिट होती है, तो बार बार फॉलोअप नहीं दे पाने के कारण कई बार इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स भी फेस करने पा रहे थे पेशेंट को। तो अभी वो सारी चीजें जो कि सारे रोगियों के लिए अब यहाँ उपलब्ध हो जाएगी, तो इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। और उधर जमशेदपुर में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 131वें जन्मोत्सव के अवसर पर भजन कीर्तन एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। काशीडी स्थित टाटानगर सत्संग बिहार के द्वारा ठाकुर अनुकूल जी के 131वें जन्मोत्सव के अवसर पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ हजारों की संख्या में भक्त मौजूद थे। वहीं भक्तों के बीच संस्था द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजक समिति के सदस्य ने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत ठाकुर अनुकूल जी के आरती के साथ की गई, जहां पूजा अर्चना पुरोहितों द्वारा की गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। भजन मंडली के द्वारा ठाकुर अनुकूल जी के जीवनी को श्रद्धालुओं के बीच शब्दों के माध्यम से रखा गया। परम दयाल परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आज सत्संग विहार टाटानगर में 121वां शुभ जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम में सुबह से उषा कीर्तन हुआ 5 बजे, इसके बाद प्रार्थना हुआ 5:29 पर, इसके बाद ये शोभा यात्रा निकाला गया 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। हम यहाँ से काशीडी मंदिर से लेकर के साक्षी गोल चक्कर होते हुए काली माटी रोड होते हुए फिर पुनः मंदिर प्रांगण में आए। हजारों की संख्या में लोग झूमते नाचते गाते आए, बहुत सुंदर लगा। अभी कार्यक्रम ठाकुर जी का भजन कीर्तन और भजन का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ आपको बताते चलें कि साक्षी थाने में पुलिस पब्लिक समन्वय समिति एवं थाना शांति समिति की बैठक मुहर्रम को लेकर आयोजित की गई। सिटी डीएसपी अनुदीप सिंह की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर पुलिस पब्लिक समन्वय समिति एवं थाना शांति समिति की बैठक रविवार को आयोजित की गई। इधर सिटी डीएसपी ने बताया, मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकालने का निर्णय बैठक में लिया गया है। इसमें रूट के मुद्दे पर किस तारीख को जुलूस निकलेगा, वो मुद्दे, कौन कौन रहेंगे, वॉलंटियर्स कौन कौन रहेंगे, पुलिस की व्यवस्था किस तक किस प्रकार की होगी, इन्हीं सब बातों को लेके मीटिंग में चर्चा हुई। वॉलंटियर के लिए कुछ कार्ड बनाने का भी बातचीत कर रहे हैं। हाँ, हम लोग जो अखाड़ा समिति है वो वॉलंटियर्स का लिस्ट थाना को देगा और थाना के द्वारा उन्हें कार्ड इशू किया जाएगा। जुलूस कौन कौन निकालने का? जुलूस का जो लाइसेंस है वो 21 तारीख का दिया जाएगा। 21 तारीख का? हाँ जी। कहां वो सभी अखाड़ों से बात हुई है, सबका अलग अलग रूट है, वो लाइसेंस में लिखा जाएगा। और इधर मानगो गोल चक्कर के सामने तेज रफ्तार में साक्षी की ओर जा रही टेम्पो पलट गई, जिसमें सवार 4 लोग जख्मी हो गए। घटना शनिवार रात की है। मानगो डिमना रोड से तेज रफ्तार से एक ऑटो साक्षी की ओर आ रही थी, मानगो गोल चक्कर पर ऑटो पलट गई। बताया जा रहा है ऑटो चालक और उस पर सवार सभी लोग शराब के नशे में थे। बाद में ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालक और ऑटो में सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 भागने में सफल हो गए। इधर ट्रैफिक थाना प्रभारी ने बताया, सभी लोग नशे में थे, नशे में रहने के कारण भागने के चक्कर में ऑटो पलट गई। और इसका मेडिकल अभी होगा, ब्रेथ एनालाइजर से इसकी जांच की जा रही है। कितने लोग थे ये लोग, तो मैं क्या बता रहे हैं लोग? 3-4 लोग। किसी को मारे भी है ट्रैक्टर लोग नशा के हालत में? अभी वैसे सूचना प्राप्त नहीं है, उसकी सत्यापन की जा रही है। गाड़ी को भी जब्त कर लेंगे? गाड़ी जब्त कर लिया। जिमना चौक से आ रहे थे सब? जी, सभी लोग जिमना चौक से आ रहे थे। बिष्टुपुर के रहने वाले बता रहे हैं? हाँ, बिष्टुपुर। क्या लोग करवाई आगे हो रही है ना? जी, करवाई। और यहाँ आपको बता दें कि बालीगुमा ग्रीन सिटी के गुलमोहर अपार्टमेंट में 80 वर्षीय वृद्ध महिला शकुंतला की हत्या हत्यारों ने गला रेत कर दी। पारिवारिक विवाद के कारण वृद्ध महिला शकुंतला की हत्या गला रेत कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पटंदा डीएसपी एवं एमजीएम थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस वक्त हत्या की घटना घटी, उस वक्त मृतिका घर में अकेली थी। इधर मृतिका की पुत्री ने बताया कि तीनों आरोपी कार से शुक्रवार को घर आए थे और खाना भी खाए। उन्होंने रुपए मांगा, रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तीनों ने दी।
वहीं पटंदा डीएसपी ने बताया पारिवारिक विवाद के कारण यह हादसा हुआ है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोई उसका फ्रेंड है, उसके नाम से एडमिट था, बोला मेरा 40,000 का बिल आया है, पैसा दो। हम लोग कहाँ से लाएंगे, हाँ इसमें मेरा कितना पैसा लगा, पेंशन नहीं, पेमेंट नहीं, हाँ। और सभी रिश्तेदार को फ़ोन करके तंग किया, पैसा चाहिए। मस्कट में मिंटू उनका भाई रहता है, वहाँ रिपोर्ट मेडिकल वाला भेजा, पैसा मांगा। सूचना मिली कि न्यू ग्रीन सिटी बालीगुआ में एक गाड़ी भेज देने ले आएगा बुला के, हत्या हो गई है। आने के बाद देखे एक लेडी है जो लगभग 80 साल की उम्र की है, देखने से ऐसा लगता है। और घर वालों ने भी बताया कि 80 प्लस उम्र है। और अब तक पूछताछ से पता चला, घर वालों ने बताया कि पारिवारिक विवाद है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पहले देख के उसके बाद देखते हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। विवाद जो है किससे, अभी क्लियर नहीं, अभी हम लोग पहले प्रारंभिक प्रक्रिया में लगे हुए, उसके बाद विस्तृत पूछताछ करेंगे। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एनएच की बदहाली पर हुई राजनीति शुरू, कांग्रेस ने किया नामकरण तो जिला प्रशासन ने किया विरोध। स्वर्णरेखा नदी से मिला ज्ञात शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। अंगदान के प्रति लोगों को किया गया जागरूक, छात्रों ने ली जानकारी। और सरायकेला के राजनगर थाना अंतर्गत घटी सड़क दुर्घटना, एक की मौत, दो घायल। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।